हाय, एक बार फिर से मैं विजय जैन, वॉइस ट्रेनर, आपका स्वागत करता हूं अपने वीडियोस में, अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शब्दों को कैसे खेलना चाहिए, क्योंकि जब तक आप शब्दों को बोलने की कोशिश करेंगे, जो परेशानियां आ रही है वो आती रहेगी। इससे पहले हम बात कर लें उस उपाधि की जो हमें मिल चुकी है। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारी आवाज असामान्य है, सामान्य नहीं है, और ये शब्द हमको चुभता है, परेशान करता है। हमारी आवाज सामान्य क्यों नहीं है, हमारी आवाज असामान्य क्यों है, ये सोच सोच के हम हमेशा परेशान रहते हैं। पहले तो आप ये मान लीजिए कि ये खुशी की बात है कि हमारी आवाज असामान्य है, क्योंकि आप पहले इस असामान्य शब्द का अर्थ समझिए। बहुत गहरा शब्द है ये। अगर हम सामान्य आवाज को जीरो मान लें, तो जो आवाज -1, -2, -3 या -4 में है वो असामान्य है, और जो आवाज +1, +2, +3, +4 में है वो भी असामान्य है। दोनों ही आवाजें सामान्य नहीं है। तो अगर आप ढंग से नहीं बोल पाते हैं, अगर आप अटकते हैं, हकलाते हैं, झिझकते हैं, घबराते हैं, शर्माते हैं, तो आपकी आवाज असामान्य है। और अगर आप बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत उम्दा बोलते हैं, बहुत बेहतर बोलते हैं, अगर आप कोई वक्ता हैं, कुशल वक्ता हैं, नेता हैं, राजनेता हैं, अभिनेता हैं, तो आपकी आवाज असामान्य आवाज है, बहुत अच्छा बोलते हैं आप। आप कोई लेखक हैं, आप कोई प्रेरक हैं, मोटिवेटर हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, और लोग आपकी आवाज सुनने के लिए, आपको सुनने के लिए, आपको जानने के लिए, आपकी वीडियोस देखने के लिए तैयार रहते हैं, बेताब रहते हैं, तो आपकी आवाज भी असामान्य है। तो अगर कोई कहता है कि आपकी आवाज असामान्य है, तो निराश नहीं होना, ये खुशी की बात है, क्योंकि ये आपको पता है कि कौन सा असामान्य है। तो आप वो वाला असामान्य सोचिए, पॉजिटिव। चलिए, शब्दों को खेलना कैसे है? जब तक आप परेशान होंगे, यार फिर से बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप ढंग से बोल नहीं पाते हैं, और अगर काम पड़ता है कहीं बोलने का, तो लगता है कि फिर से बोलना पड़ेगा, और आप ये सोचकर परेशान हो जाते हैं कि यार फिर से बोलना पड़ेगा। पहले तो आप बोलने का मजा लेना सीखिए। जब तक आप बोलने से भागते रहेंगे, तब तक आप बोलने का मजा नहीं ले पाएंगे। मैंने बहुत पहले लिखा था कि जब भी निकलता था घर से, वही मनहूस चेहरा सामने आता था। जब भी निकलता था घर से, वही मनहूस चेहरा सामने आता था, और जब से हुई है मोहब्बत उससे, अब इंतजार रहता है उसके आने का। अगर मैं इसको और ढंग से समझाऊं, तो मान लीजिए कि एक लड़का है, 10वीं 12वीं में पढ़ता है, मान लीजिए 12वीं क्लास में पढ़ता है। अगर आप नाम दें उसका, तो पप्पू, इन दोनों बहुत चलन में है ये नाम, किसी पार्टी विशेष पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मान लीजिए पप्पू जो है पढ़ता है 12वीं क्लास में, उसके पड़ोस में एक घर है शर्मा जी का। पप्पू की मम जो मदर है बहुत मिलनसार है, अक्सर पप्पू से कहती है कि जा शर्मा अंकल के घर जा, क्या ये सब्जी देकर आ, जा शर्मा अंकल के घर जा, क्या शर्मा आंटी को ये दही देकर आ, जा शर्मा आंटी को ये मिठाई देकर आ, या उनसे चीनी लेकर आ, या उनसे नमक लेकर आ, या उनसे सब्जी लेकर आ, मिर्ची लेकर आ, टमाटर लेके आ, देके आ। अक्सर ये पड़ोसी धर्म हम निभाते हैं, अखबार देकर आ, अखबार लेकर आ, ये पड़ोसी धर्म हम अक्सर निभाते हैं। पप्पू को बहुत गुस्सा आता था, वो हर बात कोई ना कोई कोशिश करता, हर बार बहाना बनाने की, मैं पढ़ाई कर रहा हूं समय नहीं है, मैं फ्रेंड के यहां जा रहा हूं समय नहीं है, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, अभी नहीं बाद में जाऊंगा, वगैरह वगैरह बहानेबाजी। जब मम्मी डांटती थी, गुस्से में बोलती थी, तो मजबूरी थी, जाना पड़ता था, लेकिन पैर पटकते पटकते मजबूरी से ये काम चलता रहा। अचानक से क्या हुआ कि शर्मा जी की ट्रांसफर हो गई बाहर शहर में, और शर्मा जी के मकान में वर्मा जी रहने आ गए किराए पे, उन्होंने वर्मा जी को मकान किराए पे दे दिया। अब वर्मा जी की एक सुंदर सी बेटी, ठीक है, बहुत सुंदर। अब ये खबर पप्पू को मिली, ठीक है, अब पप्पू ये मौका ढूंढ रहा है कि मम्मी कब मुझे काम बताए कि बेटा पड़ोस किया जा किया ये चीज देखे आ, पड़ोस किया जा किया ये चीज लेके आ। अगर मम्मी काम नहीं बताती बहुत देर, तो वो चला के कुछ बहाने से, मम्मी कुछ लाना है क्या,
कुछ लेके आना है क्या, मैं थोड़ा फ्री हूं, सोच रहा हूं कि कहीं बाहर जाए हूं। तो अब वो मौके ढूंढ रहा है पास में जाने के, क्योंकि उसको देखना है ना। तो पहले आप देखें, पहले वो मना करता था, छिड़ता था कि मां वहां नहीं जाऊंगा, और अब वो मौके ढूंढ रहा है वहां जाने के, क्योंकि यहां पर उसका अपना इंटरेस्ट, उसकी अपनी रुचि छुपी हुई है। तो दोस्तों, जिस काम के अंदर आपकी इंटरेस्ट, आपकी रुचि आ जाएगी, उस काम को करने का मौका ढूंढेंगे, और जब तक उस काम से आप कतराएंगे तब तक उस काम मजा नहीं आएगा। तो आपको तय करना है कि उस काम से भागना है या उस काम में इंटरेस्ट लेना है। इसी तरह से अपनी आवाज से आप प्यार कीजिए, आवाज को खेलिए। शब्दों से खेलना कैसे होता है, मैं अपनी क्लास के अंदर अक्सर एक गेम खिलाता हूं। चलो आज मैं आपको एक सीक्रेट बता देता हूं, अब जबान से निकल गया है तो बताना तो पड़ेगा, क्योंकि तीर कमान से और शब्द जबान से अगर निकल गए तो निकल गए। मैं बताना नहीं चाहता था, पर व्यापार है, अक्सर छुपाना पड़ता है, पर आज बता देता हूं, क्योंकि लोग अक्सर मेरे स्टूडेंट्स को जो ऐसे निकलते हैं ट्रेनिंग करके, उनके पास फोन करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि सर ऐसा क्या बताते हैं कि केवल 7 दिन के अंदर आपको इंप्रूवमेंट आ जाता है ना। तो जेलस करने वालों की कमी नहीं है, कोई फोन करता है, कोई फोन करवाता है, वो सब बात की बातें हैं। चलिए, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, मैं ज्यादा दूर नहीं हूं आपसे, ठीक है, आपका अपना हूं, पराया नहीं हूं, ठीक है। आप आइए मेरे पास, आइए, मैं आपको बेहतर सिखाऊंगा। बेसिक कोर्स 7 दिन का है और कंप्लीट ट्रीटमेंट 1 महीने का है, डिपेंड करता है आपके लेवल पर, ठीक है। तो मैं अक्सर एक गेम खिलाता हूं, उस गेम के अंदर क्या होता है कि मैं बच्चों से कहता हूं कि आप एक शब्द को खेलिए। कैसे खेलना है, मान लीजिए कोई एक नाम है पूजा, नाम है लड़की का पूजा, या आपका अपना नाम है, आप लड़की हैं, आपका अपना नाम है पूजा। अब मैं कहता हूं कि अगर परेशानी हो रही है अपने नाम को बोलने में या किसी और नाम को बोलने में, तो इसको अलग अलग तरीके से बोलिए, देखिए आप इस शब्द को कितने तरीके से बोल सकते हैं। पूजा, 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 तो इस तरीके से आप अलग अलग प्रयोग कीजिए और काउंट कीजिए, नोट कीजिए, अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग बनाइए और बाद में सुनिए, मजा आएगा। तो हर शब्द को बोलने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग आपके शरीर के मुंह के हिस्से काम करते हैं, सांसों का अलग अलग जो है फ्लो होता है, सांस ज्यादा छोड़नी पड़ती है, ज्यादा लेनी पड़ती है, कम छोड़नी पड़ती है, कम लेनी पड़ती है। तो इस तरीके से आप अपने दिमाग को मजबूर कर रहे हैं, अपने जो हिस्से हैं शरीर के जो शब्दों में प्रयोग आते हैं उन्हें सही ढंग से अलग अलग इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। तो आपका ब्रेन डेवलप हो रहा है, आपका मुंह का हिस्सा डेवलप हो रहा है, आपकी सांस, आपके लंग्स सब डेवलप हो रहे हैं। सेकेंड, आप अपनी भाषा के अंदर अलग अलग, अपनी आवाज के अंदर अलग अलग भाषाओं का जो है मिश्रण काम में लीजिए। केवल हिंदी नहीं बोलनी है, हिंदी के, इंग्लिश के, अलग अलग भाषाओं के वर्ड्स आप मिक्सर कीजिए, क्योंकि हर भाषा को बोलने के लिए आपका मुंह, आपका पैलेट, तालू, जबान, दांत, जबड़े सब अलग अलग ढंग से काम करते हैं। जब परिवर्तन करेंगे आप बार बार तो आपको बोलने में मजा आएगा। एक्चुअली कंफ्यूजन ये होता है कि मैं पूरे एफर्ट्स लगाता हूं फिर भी वो रिजल्ट, वो क्वालिटी आई कैनॉट गेट, एंड दैट इज वाई मैं पूरी कोशिश करता हूं कि कोई भी ऐसा काम ना हो दैट गिव्स द रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन माय वर्ड्स, मेरी आवाज सही ढंग से बाहर आए। मतलब अलग अलग ढंग से आप भाषाओं का प्रयोग करेंगे तो आपकी भाषाएं और आपकी भाषा और अच्छी बन जाएगी। ये भी एक खेलने का, आवाज से खेलने का तरीका हो गया। सिंगिंग करें, गाना गाएं, जो बात नॉर्मल आप कह रहे हैं। एक बात नॉर्मल है कि यार आज मुझे बाहर जाना है, मार्केट में कुछ काम है, वो काम करके मैं घर पे आ जाऊंगा। अब मजे लेके आप अकेले में घूम रहे हैं कि आज मुझे बाहर जाना है, कुछ काम करना है, वो काम करके मैं वापस आ जाऊंगा जल्दी से। मतलब अलग अलग ये प्रयोग हैं। अपने कोई एक गाने की धुन अपने गाने में डाल दें तो जब क्रिएटिविटी आएगी, जब ये नयापन आएगा तो आपको बोलने में मजा आने लगेगा और धीरे धीरे आप ये भूल जाएंगे कि आपकी आवाज़ जो है वो सही नहीं है। आपकी आवाज़ पहले भी असामान्य थी, आपकी आवाज़ फिर से असामान्य बन जाएगी। हमें सामान्य आवाज़ नहीं करनी है, ठीक है दोस्तों। तो पूरी कोशिश करें कि आप
अपने शब्दों से खेलेंगे, शब्दों में नए नए प्रयोग करेंगे, ठीक है, और फिर उन शब्दों को, उन प्रयोगों को कोशिश करेंगे रिकॉर्ड करें, नोट करें कहीं, आई मीन रिकॉर्ड करें, कॉल रिकॉर्डिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग, कहीं पर भी, और फिर जब दोबारा आप फ्री होते हैं तब सुने, है ना, ताकि आपको और अच्छा करने में मजा आएगा, उसको और इंप्रूव करेंगे उस चीज को आप। तो आज की वीडियो का मेरा इतना ही मकसद था आपको ये बताना कि आप वाकई में असामान्य हैं, सामान्य नहीं है, क्योंकि आपको अपनी आवाज औरों से ज्यादा बेहतर करनी है, ठीक है। तो जब तक आप बोलने से कतराएंगे, भागेंगे, शर्माएंगे, झिझकेंगे, डरेंगे, सकुचाएंगे, तब तक वो आवाज का लेवल नहीं आ पाएगा जो वास्तव में आना चाहिए। इसलिए आज से ही आवाज से, शब्दों से प्यार करो, फिर देखो बार बार उसका दीदार करने का मन करेगा, जैसे पप्पू वेट करता है बार बार दीदार करने का। तो दोस्तों, मजे लीजिए आवाज के, और मेरे वीडियो के भी मजे लीजिए, और मेरे वीडियोस को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और कोई भी सवाल, कोई भी जिज्ञासा मन में हो तो मेरे फोन नंबर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे बात कर सकते हैं, 8890601641। थैंक यू वेरी मच।